नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज आपको बताते हैं एक ऐसा वीडियो। जी हाँ, आप जो वीडियो देखने जा रहे हैं, इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा मंत्र जिससे कि आप किसी भी इंसान को, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, कोई आपका पुराना संगी साथी हो, कोई ऐसी लड़की हो जिसे आप अपने मन की बात नहीं बोल पा रहे हैं, चाहे वो आपके ऑफिस में काम करती हो या फिर आपके बचपन की कोई दोस्त हो, आपके बहन की सहेली हो, कोई भी महिला हो, अगर आप चाहते हैं उसे अपने वश में करना तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत आसान सा एक तरीका बताती हूँ दोस्तों। आपको करना क्या है, आपको बस थोड़ा सा लेना है पहाड़ी नमक। पहाड़ी नमक इस तरह से आप ले लीजिए अपने उल्टे हाथ में और उसके बाद मुट्ठी में बंद कर लीजिए और आपको ये मंत्र ओम क्लीम नमो धूम क्रीम नमः, इस मंत्र का जाप करना है। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, आपको सच्चे मन से इसका उपयोग करना है और ये आपको करना है मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन आप इसे कर सकते हैं रात्रि शाम को, यानी कि 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक के बीच में आप इसे कर सकते हैं। और ध्यान रखें, स्वच्छ मन से, स्वच्छ कपड़ों से, स्वच्छ तन से आपको ये उपाय करना है, यानी नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहने और अच्छे मन से आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये मंत्र आपको पढ़ना है सिर्फ 51 बार और समुद्री नमक आपको रखना है अपने लेफ्ट यानी कि उल्टे हाथ में और उसके बाद आपको ये नमक जो है उस व्यक्ति के खाने में डाल देना है। जी हाँ, याद रखिएगा, पूरा का पूरा नमक नहीं डालना है, सिर्फ एक दाना अगर आप उस व्यक्ति को खिला दें जिस व्यक्ति को आप वश में करना चाहते हैं तो आपका कुछ ही मिनटों में काम हो जाएगा। जी हाँ, जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं वो आपके वश में होगा कुछ ही मिनटों में। तो आप इस उपाय को कीजिए और आपको बता दें ये उपाय बाबा जी ने अपने भक्तों के लिए स्वयं बनाया है। बहुत सारे भक्तों ने इसका फायदा उठाया है और उसके बाद हमने ये उपाय YouTube पे अपने भक्तों के लिए बनाया है। तो आप इसका उपयोग कीजिए और हमें जरूर बताइए। अगर आपके कोई भी और कष्ट हो, कोई भी और समस्या हो तो आप हमारे नंबर पे कॉल कीजिए। हमारा नंबर आपको वीडियो पे दिख जाएगा, आप उस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं हमसे। आपकी जो भी समस्या होगी हम उसका समाधान जरूर करेंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।